पुराने समय में हमारे पहाड़ में कुमाऊं में बहुत ज्यादा अशिक्षा, गरीबी, जय गुजर यहाँ जो सो लोग बाग टाइम पर पौष्टिक आहार नहीं खा सकती, मनोरंजन साधन नहीं थी, तो लोग बाग खाली दिमाग शैतानों घर हो सी। यह लीजिए जो विज्ञ लोग से ना जो पुराना समाज सुधारक छा या जो हमारे विद्वान लोग थे उन्होंने यश किस्म एक परंपरा चले कि हर महीने या हर समय में या जब बहुत कभी मौसम परिवर्तन हो उभत कबीर कुछ तीज त्यौहार कुछ यश किस्म मनाई जो जय वीर की लोग बाग पौष्टिक आहार ले खा लियो और क्यों जब मनोरंजन साधन ले जाओ। उन दिनों सिनेमा हिनेमा की इच्छी ने तो मनोरंजन साधन ले जाओ और पौष्टिक आहार ले मिल जाओ ये और जब कभी काम धंधे नहीं हों मौसम परिवर्तन हो बहुत कभी पौष्टिक आहार की जरूरत है तो वो विचार कर हर बेर लोगों ले यश किस्मत तीज त्यौहार बनाई पहाड़न में कि लोग उनको रूढ़ी बाध्यता तक बांट देर उनको कारण जरूरी है वो चाहे गरीब से गरीब छो चाहे अमीर से अमीर छो उनको कारण जरूरी है वो क्योंकि वो रूढ़ी जगह बात दे तो एक वैज्ञानिक कारण तो कुछ और थी लेकिन रूढ़ी जगह बात बे भगवान जगह बात बे वो कारण लीजिए आदमी जरूरी कारण पड़ थी जय वीर की वही का खाने पीने के लिए कुछ साधन ले बढ़ जाए थी कि जो कभी नहीं खा सकन जो चीज़ का जो पौष्टिक आहार नहीं खा खा सकती और मनोरंजन रह जाती यह भी परिप्रेक्ष्य में भदवा में एक किंवदंती बढ़े कि पार्वती जी पार्वती महेश थे नाराज है बेर कैलाश बेटी पहाड़ों में तली उतर है और वो धाना खेत में लुक किए तो गौना श्रेणिया देखो तो वो बुला और वो गमरा दीदी का दे दीदी का भी आप घर में लिया है। कुछ दिनों तक कुछ दिनों बाद महेश जो कैलाशपति छिया उन्हें ढूंढ ढूंढने आ गई आते आते उनको गाँव में वो गमरा दीदी वहाँ मिली और उनको ये तो पार्वती छो और मेरे घरवाल छो तो सब गाँव वाला जो जतुल्ला बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उनको समझा कि वो नाराज नहीं होने चाहिए और यह नौक भाव तो लागे छो जति द्विवर्तन होने थोड़ा बहुत होने छो तो तुम उनको वापस जानते हैं और किले कि यह महेश जी और वो पार्वती थी तो उनार घर में उन्होंने गमरा दीदी कौ छे उन्होंने तो महेश का शिव जी हूँ वो भिंजू कौन भेजें जीजा जी कौन भेजें। अब जब उनको तैयार कर सो उनको आप तैयार ही हो कैलाश जहाँ लीजिए एकदम देर है ली और ये रास्ते में क्या खा उन दिनों तो मोमो और यह क्यों जहाड़ी चटपट के चीज़ रास्ते में बिस्कुट विस्कुट के अच्छी ने तो उनको के ये चीज़ खान चाहे कि जय चीज़ तो उन्होंने क्या करो कि वही जान है बेर पहली जैसे अष्टमी दिन जान छो तो पंचमी दिन बिरुड़ भी जाएगा बिरुड़ में पाँच प्रकार अनाज भी जाएंगे जमी भट्ट सोयाबीन है गए चाण है गोय जमी प्रोटीन मात्रा बहुत है गेहूँ है गए उनको भिजे बेर उनको तीन दिन भिजाई दें पंचमी दिन भिजे पे षष्ठी सप्तमी दिन पात धरियन को नहीं भर पात में मतलब एक पत्ते में रख करके क्योंकि उसमें हवा नहीं जाती है वो पत्ता माथ पर ढकी जा ढक बेर उम्मी जो सो सुम फूट जानी उम्मी जो है एक जो है प्रोटीन युक्त तो आहार बढ़ जाए और उन्होंने पहली क्योंकि वो महेश और जो है पार्वती निमित्त बड़ा थी तो उनको उन्होंने अपने सिर में रखा पहले क्योंकि वो उनका प्रसाद है गए और उनको आपको शर्मा धरना एक परंपरा बढ़े कि यह बिरुड़ पंचमी छो या बिरुड़ी पर चढ़ा दिए और वो बिरुड़ का धैर्य रास्ता होना खान शामो धैर्य कैलाश का भिंजू को और पार्वती का वो एक सौराष्ट्र हूँ बटे दे यश किस्म करबेर में जो छो उन्होंने एक किस्म जो छो गमरा दीदी और महेश का इनका पुतला बड़े बे उन्हें पूछ कर बे उनको ये खाना खिला करके उनके रास्ते में क्षमा धर बे और यश किस्म को विदाई करनी तो दो तीन दिनों जो से एक किस्म के जो त्यौहार जो है जहाँ एक किस्म मनोरंजन और साधन रह जहाँ इनमें लोग बाग खुद बढ़िया सा गीत लगानी कि वो उसको विदाई के गीत गाते हैं पहले आने के गीत गाते हैं पूजा के उनको पूजकरण गीत करनी और उनको बाद उन्हें विदाई करनी विदाई करके जो बचों सामान मतलब जो बिरुड़ बची सना उनको छिलो के फिर ब्याह प्रसाद रूप में सब द्वारा खाई जा जय वीर की उनको ना पौष्टिक भोजन मिल जा।
बिरुड़ो जीरे जागरे बसरे भैया जोड़ बचरू चार मम्मी पापा बचरू खूब पढ़िए लिखिए खूब अफिसर बनिए खूब सब वो भी धरती बराबर चकाव है जे आसमान बराबर ऊँचे है जे शू बराबर ताकत है जो शाव बराबर बुद्धि है जो खूब आपको मैं बाबू नाम रोशन करिए खूब बड़ी बन जाना हाँ ऑफिसर हाँ ठीक है ऑफिसर बड़ी वाली खूब बड़ी ऑफिसर।